नाओ वी आर वॉन्टिंग टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू इस्फेयर मेरे पास एक इस्फेयर है उसके अंदर जो चार्ज मौजूद है वो कितना है प्लस क्यू और मुझे इस चार्ज की वजह से इस सरफेस में से इस्फेयर इस इस में से कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो मुझे कैलकुलेट करना है ये जो मैंने इस्फेयर कंसिडर किया है इसका रेडियस कितना है इस्मॉल आर जो चार्ज इस इस्फेयर इस के अंदर मौजूद है वो कितना है प्लस क्यू और ये सेंटर पर मौजूद है ठीक और मुझे इस चार्ज की वजह से इस स्फेयर से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो कैलकुलेट करना है लेट सपोज के जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी डायरेक्शन ये जिसको मैंने कैपिटल ई e से रिप्रेजेंट किया है और इस सरफेस के ऊपर मैंने ये एक छोटा सा स्मॉल पैच ड्रॉ कर दिया है ये छोटा सा एक स्क्वायर मैंने ड्रॉ कर दिया है और इस पैच का जो एरिया है वो कितना है डेल्टा ए और आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया डेल्टा ए दोनों की डायरेक्शन इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या है सेम है ठीक है इस ये मैंने एक पैच ड्रॉ किया है जाहिर सी बात है ये स्फेयर मेरे पास है इसका रेडियस आर है तो इसके ऊपर मैं इस तरीके से बहुत सारे पैचेस ड्रॉ कर सकता हूं ये मैंने एक पैच आपको ड्रॉ करके दिखाया है बट इस तरीके से बहुत सारे पैचेस मैं यहाँ पे इस फेयर पे हर हर जगह ड्रॉ कर सकता हूँ हर हर जगह पे पैच ड्रॉ करूंगा उस जगह पे मैं वेक्टर एरिया की डायरेक्शन डिफाइन करूंगा जैसे मैंने यहाँ पे किया और उस पैच के लिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देखूंगा और जो टोटल फ्लक्स होगा वो बेसिकली इन सब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सम हो जाएगा सो अगर मैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेल्टा फाइव ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो किसके इक्वल है समीशन समीशन का मतलब ये कि सारे का सारा फ्लक्स यानी कि सारे के सारे एरिया से जो फ्लक्स पास हो रहा है समीशन ई डॉट डेल्टा ए अब एक बात ये कि ई e और डेल्टा ए यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और वेक्टर एरिया दोनों की डायरेक्शन यहाँ पे क्या है सेम है दे आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन सो कॉस जीरो डिग्री कॉस इक्वल है वन के इक्वल है सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या हो गई समीशन ई डेल्टा ए ठीक है डॉट प्रोडक्ट यहाँ से मैंने रिमूव कर दिए एक सिंगल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके इक्वल है ई इक्वल्स के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ये फॉर्मूला आप पहले पढ़ चुके हैं ठीक इस ई e की वैल्यू को मैं यहाँ पे सब्सिट्यूट कर रहा हूँ सो डेल्टा फाइव ई इलेक्ट्रिक फ्लग्स समीशन समीशन इज ई की जगह वैल्यू आ गई के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और डेल्टा एज इट इज मौजूद है अब एक बात आप देखें कि जो मैंने स्मॉल पैचेस ड्रॉ किए हैं वो किसके ड्रॉ किए हैं एरिया के लिए ड्रॉ किए और जो समीशन अप्लाई हो रहा है वो किस पे हो रहा है एरिया के ऊपर हो रहा है कि अगर मैं सारे का सारा का सारा स्मॉल पैच एरिया सम कर लूंगा तो मेरे पास टोटल का एरिया आ जाएगा कि ये जो एक छोटे पैच का एरिया है इस तरीके से मैंने बहुत सारे छोटे पैचेस ड्रॉ किए हैं हर हर पैच का जब मैं एरिया सम करूंगा तो मेरे पास किसका एरिया आ जाएगा इस स्फेयर का एरिया आ जाएगा तो के कॉन्स्टेंट है क्यू पॉजिटिव चार्ज एक ही चार्ज है उसका समीशन से कोई ताल्लुक नहीं है उसको भी मैंने समीशन से बाहर लिख दिया आर स्क्वायर भी समीशन के लिए नहीं है समीशन उस पर अप्लाई नहीं हो रहा उसको भी मैंने बाहर लिख दिया है समीशन सिर्फ और सिर्फ अप्लाई हो रहा है डेल्टा ए के ऊपर के जो एरिया है टोटल यानी कि जो तमाम पैचिस का एरिया है वो स्फेयर के एरिया के बराबर है सो समीशन डेल्टा ए यानी कि स्फेयर का टोटल एरिया मेरे पास किसके इक्वल है मुझे पता है उसका फॉर्मूला फोर पाए आर स्क्वायर सो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ऐसी समीशन डेल्टा ए की जगह मैंने उसकी वैल्यू लिख दी आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया के की वैल्यू आपको पता है कूलम्स लॉ के शुरू में मैंने आपको बताई थी वन अपॉन फोर पाए एप्सिलॉन नॉट सो फोर पाए से फोर पाए कैंसिल और ये किसके इक्वल है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के जो इस इस स्फेयर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ चार्ज की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है क्यू, बिकॉज़ एप्सिलॉन नॉट इज आल्सो अ कांस्टेंट इस स्फेयर का मैं कोई भी साइज कंसीडर करूं यानी कि स्फेयर का रेडियस कुछ भी हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस पे डिपेंड नहीं कर रहा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ओनली ऑन उन चार्ज कि जो भी चार्ज उस स्फेयर के अंदर मौजूद है जाहिर सी बात है मैंने कोई और शेप कंसीडर नहीं की स्फेयर की शेप कंसीडर की है उसकी वजह यह कि स्फेयर का एरिया मुझे पता है कोई और आर्बिट्रेरी शेप हो तो उसका एरिया मुझे कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होगी बट ये मुझे पता चल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो ज्योमेट्रिकल शेप पे डिपेंड नहीं कर रहा मैं कोई सी भी शेप कंसिडर कर सकता हूँ यहाँ पे तो मैंने स्फेयर कंसिडर किया है बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन द सरफेस ऑन द शेप ऑफ द सरफेस इट डिपेंड्स ओनली ऑन द चार्ज पहले मैंने बात की इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने की फॉर इस्फेयर कि अगर एक इस्फेयर है और एक पॉजिटिव चार्ज इस्फेयर के सेंटर में मौजूद है तो मैं उस स्फेयर से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है वो कैलकुलेट कर सकता हूँ अब मैं गॉस लॉ को यूज़ करने में इंटरेस्टेड हूँ गॉस लॉ को यूज़ करते हुए मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि अगर एक क्लोज सरफेस है मेरे पास और उसमें से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है वो इक्वल होगा कि उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज मौजूद है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट अब बाई पे गॉस लॉ के लिए मैं सरफेस कह रहा हूँ तो सरफेस कहने का मतलब यह है कि शेप कोई भी हो सकती है शेप के लिए जरूरी नहीं है कि वो कोई नोन शेप हो नोन शेप का मतलब है कि स्क्वायर है या रेक्टेंगल है या और भी शेप्स जिनका एरिया आपको पता है कोई ऐसी शेप नहीं होगी बल्कि कोई भी रैंडमली आर्बिट्रेरी शेप होगी ठीक उस सरफेस में से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है वो डिपेंड करेगा कि सरफेस के अंदर कितना चार्ज है टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट ये फ्लक्स के बराबर है और ये गॉस की स्टेटमेंट है क्लोज सरफेस का मतलब ये है कि एक ऐसी सरफेस है कि उसके अंदर चार्जेस जब मैं ड्रॉ करूंगा तो उसके बाद उस सरफेस को मैं बाउंड कर दूंगा कि अब चार्ज इस सरफेस से बाहर नहीं जा सकते ठीक है जैसे मैंने यहाँ पे अब मैं प्रूफ की अगर बात करूं तो मैंने बहुत सारे चार्जेस ड्रॉ किए लास्ट टाइम आपके पास एक सिंगल चार्ज था बट यहाँ पे आपके पास कितने चार्जेस हैं वन टू थ्री अप टू एन मुझे नहीं पता कितने चार्जेस हैं पचास सौ हजार दो हजार दे आर आर एन नंबर ऑफ चार्जेस और इन चार्जेस को मैंने इस सरफेस के अंदर बाउंड कर दिया है ये सरफेस मैंने एक ड्रॉ कर दिया है ये सरफेस एक क्लोज सरफेस है क्लोज सरफेस कहने का मतलब यह है कि चार्जेस इसके अंदर हैं इसके बाहर नहीं है और इस सरफेस का जाहिर सी बात है कि आपको देख के पता चल रहा है कि ये एक आर्बिट्रेरी शेप है इसका एरिया आपको इतनी आसानी से पता नहीं चल सकता इसका एरिया का कोई फॉर्मूला नहीं है इस सरफेस के अंदर चार्जेस मौजूद हैं एन चार्जेस और इन तमाम चार्जेस की वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है मैं वो टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड हूँ अब सेम उसी तरीके से कि अगर एक चार्ज की मैं बात करूं Q1, वन सो उससे कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा फाइव वन और वो किसके इक्वल होगा Q1 वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट जैसे मैंने लास्ट टाइम लिखा था फॉर सेकेंड चार्ज Q2, टू फ्लक्स इज फाइव टू इट इक्वल्स क्यू टू अपॉन एप्सिलॉन नॉट जैसे मैंने स्क्र के लिए लिखा था सेम इसी तरीके से फॉर एन चार्जेस इट इक्वल्स क्यू एन अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो टोटल फ्लक्स इस सरफेस में से इन तमाम एन चार्जेस की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है वो बेसिकली क्या होगा इन सारे फ्लक्स का सम सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइव ई इक्वल्स फाइव वन प्लस फाइव टू प्लस फाइव थ्री प्लस फाइव फोर अप टू फाइव एन के सारे फ्लक्स जो हैं उनको मैं सम अप कर लूँ सबकी मुझे वैल्यू पता है क्यू वन अपॉन एप्सलॉन नॉट क्यू टू अपॉन एप्सलॉन नॉट अप टू क्यू एन अपॉन एप्सलॉन नॉट वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया सो यहाँ पे ऊपर क्या बच जाएगा क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस अप टू क्यू एन उसकी जगह मैंने लिख दिया टोटल चार्ज इनक्लोज कि जितना चार्ज इनक्लोज है इस सरफेस के अंदर जितना चार्ज इस सरफेस के अंदर मौजूद है उस सारे चार्ज को मैं एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दूं तो मैं फ्लक्स कैलकुलेट कर सकता हूं भले इस सरफेस की जो शेप है वो कैसी भी हो कोई भी रैंडम शेप आप अपनी मर्जी से ड्रॉ करके देख सकते हैं अब हमें गॉस लॉ के एप्लीकेशन डिस्कस करनी है और पहली एप्लीकेशन है कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है एक आइसोलेटेड इनफाइनाइट चार्ज शीट की वजह से कि एक बहुत बड़ी चार्ज शीट है उसका छोटा सा पोर्शन मैंने यहाँ पे आपके लिए ड्रॉ किया है इस शीट के ऊपर जो चार्जेस मौजूद हैं वो कितने ये आपको नज़र आ रहे हैं पॉजिटिव चार्जेस बहुत सारे मौजूद हैं और एक सिलेंडर इसमें से पास हो रहा है मुझे इस इन चार्जेस की वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग गौ लॉ क्योंकि ये गौ लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन है एक शीट है शीट के ऊपर बहुत सारे चार्जेस हैं शीट में से एक सिलेंडर पास हो रहा है और मुझे इस डायग्राम इस कॉन्फिग्रेशन को के लिए गौ लॉ को यूज करते हुए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है पॉजिटिव चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड होती है वो मैंने ड्रॉ कर दी इस शीट में से मैंने एक सिलेंडर पास कर दिया ये वो सिलेंडर है राइट right साइड पे इसका जो एरिया है वो इस साइड पे होगा इस पोर्शन का जो लेफ्ट साइड है उस पे जो वेक्टर एरिया है वो टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड होगा और इस जगह पे जो वेक्टर एरिया है वो क्या होगा अपवर्ड ठीक तो आप देख सकते हैं कि वेक्टर एरिया की डायरेक्शन मैंने सिर्फ यहाँ पे ड्रॉ की है इस पॉइंट पे सेंटर वाले पॉइंट पे वेक्टर एरिया अपवर्ड है इस वाले पॉइंट पे लेफ्ट सिलेंडर पे लेफ़्ट फेस ऑफ सिलेंडर पे वेक्टर एरिया की डायरेक्शन टुवर्ड्स द लेफ्ट है और मुझे इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए गॉस लॉ को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है जो वेक्टर एरिया है फेस ऑफ सिलेंडर का वो ए है ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और पॉइंट पी पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन की है सो so, जैसे मैंने लास्ट उसमें बताया कि राइट साइड से जो फ्लक्स पास हो रहा है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई और वेक्टर एरिया ए दोनों पैरल हैं सो एंगल कितना हो जाएगा जीरो डिग्री सो कॉस जीरो वन इट इक्वल्स ई ए इसी तरीके से अगर मैं लेफ्ट फेस की बात करूं तो वहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया पैरल है दे आर इन द सेम डायरेक्शन सो वहां से भी फ्लक्स कितना होगा ई ए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है जो सेंटर वाला पोर्शन है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो अगेन टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड है जो वेक्टर एरिया है वो अपवर्ड है ठीक सो द एंगल इज एंगल बिटवीन ई एंड ए इज़ 90 डिग्री सो कॉस 90 इक्वल्स जीरो सो मल्टीप्लाइड विद ई ए इट ऑल्सो इक्वल्स जीरो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा दिस ई एज़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम राइट हैंड साइड द फ्लक्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे लिखा नहीं है वो भी कितना है ई ए और ये वो फ्लक्स है जो कि सेंटर से पास हो रहा है इट इक्वल्स जीरो सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू ई एस इज इक्वेशन नंबर वन गौस लॉ किसके इक्वल है टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट टोटल चार्ज के लिए मैं यहाँ पे सिंपल क्यू लिख देता हूँ ठीक है कि क्यू जो है उसके अंदर सारी चीजें मौजूद है क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री क्यू फोर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यू इज द टोटल चार्ज एक और क्वांटिटी हम डिफाइन करते हैं चार्ज डेंसिटी चार्ज डेंसिटी किसके इक्वल है यहां से मेरे पास Q की वैल्यू आ गई इक्वल्स A सिग्मा और ये जो क्यू की वैल्यू है इसको मैं यहां पे पुट कर रहा गौस लॉ में सो फाइव क्यू की जगह क्या आ जाएगा A सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सलॉन नॉट गॉस में इसको फुट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड है और इक्वेशन वन की जो लेफ्ट हैंड साइड है इट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स सो आई कैन इक्वेट राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन वन एंड टू सो टूक्वल्स ए सगमापोन एप्सलॉन नॉट ए से ए कैंसिल लेफ्ट हैंड साइड पे टू ई e बज गया राइट हैंड साइड पे सिग्मा पॉन एप्सलॉन नॉट

यूनिट वेक्टर भी चाहिए सो यहाँ पे r कैप वो यूनिट वेक्टर है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है सही अब मैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ड्राइव करने में इंटरेस्टेड हूँ मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसकी प्लेट्स की जो चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है सिग्मा जैसे यहाँ पे थी जो एरिया है कैपेसिटर की प्लेट का वो कितना है ए और कैपेसिटर की दो प्लेट्स होती हैं आपको पता है एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है एक पे नेगेटिव चार्ज होता है उन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है डी है दिस इज डी नॉट वी हेयर दिस इज डी स्मॉल डी द सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स इज स्मॉल डी और जो वोल्टेज है यानी कि जिस बैटरी के साथ कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं वो कितना वोल्टेज प्रोवाइड कर रही है अभी यहाँ पे आप लोग यहाँ पे आप लोग लिख लें द सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स इज स्मॉल डी कि जो दोनों प्लेट्स के दरमियान फासला है वो कितना है स्मॉल डी नॉट वी इट इज डी सो नेक्स्ट टाइम मैं फिर इसको आगे एक्सटेंड करके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ड्राइव करूँगा ठीक